किसान मित्र चैनल आपका स्वागत करता है। दो दिन 6-7 जुलाई को पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश के आसार, 5 दिन पूर्व व पूर्वोत्तर राज्यों में भारी से भारी बारिश के साथ बाढ़ की स्थिति बनी। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी सियाराम विश्नोई, देखते रहे किसान मित्र चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये आपका अपना ही चैनल है। इस चैनल के माध्यम से किसान हित की खबरें, मौसम से जुड़ी जानकारी, अनेकों प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेगी। अब अपन बात करते हैं मानसून से जुड़ी खबरों पर। मानसून की ट्रफ रेखा गंगानगर अलीगढ़ पटना होते हुए बनी हुई है, एक ट्रफ रेखा, और दूसरी एक ट्रफ रेखा है वो महाराष्ट्र के उत्तरी से कर्नाटक के दक्षिणी भागों तक बनी हुई है। अब अपन बात करते हैं पिछले एक महीने के बारे में, बारिश कैसी हुई है वो अब बता रहे हैं। 1 जून से 30 जून तक सामान्य से पूरे भारत में 15% ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि मध्य भारत में सामान्य से 25% ज़्यादा बारिश हुई है, और पूर्व तथा पूर्वोत्तर राज्यों में 13% ज़्यादा बारिश हुई है, और दक्षिणी राज्यों में सामान्य से 6% ज़्यादा हुई है, उत्तर भारत में सामान्य बारिश हुई है। 6 जुलाई को आगे आने वाले सप्ताह, जैसे 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच मानसून कैसे रहेगा की जानकारी अगले 6 जुलाई के अपडेट पर मिलती रहेगी। उत्तरी भारत के लेह लद्दाख हिमाचल प्रदेश में 5 दिन मध्यम से भारी बारिश की संभावना। पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर में 5 से 7 जुलाई को अनेकों क्षेत्रों में कहीं मध्यम तो कहीं अधिक बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी भारत के पूर्व पश्चिमी राजस्थान में 6-7 जुलाई से झमाझम। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली व अन्य सभी जिलों में मानसून की पहली झमाझम 6-7 जुलाई से कुछ क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। मानसून की पहली झमाझम पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान में 6 जुलाई से अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, फलौदी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली व अन्य जिलों में 6-7 जुलाई से मानसून की पहली झमाझम देखने को मिलेगी। राजस्थान के सभी जिलों में 6-7 जुलाई को मध्यम से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, मौसम विभाग के पूर्वानुमान से अपडेट दिया जा रहा है। मध्य भारत के मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में 5 दिनों में अच्छी बारिश की आशंका व कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनने की संभावना। आने वाली 3 से 7 जुलाई को मध्य प्रदेश में झमाझम। दक्षिणी पश्चिमी भारत के तटीय गुजरात, महाराष्ट्र व गोवा के सभी स्थानों पर 3 से 7 जुलाई को भारी बारिश की संभावना। उत्तरी गुजरात के इलाकों में 5 से 7 जुलाई को झमाझम होने की संभावना है, तटीय इलाकों पर ज़्यादा बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिणी भारत के राज्य जैसे केरल, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन राज्यों में 3 जुलाई को भारी बारिश व 4 जुलाई को छुटपुट क्षेत्रों में झमाझम, 5 से 7 जुलाई को इन्हीं राज्यों में भारी से भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिणी पूर्व भारत के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, इन राज्यों में पूर्व की भांति बारिश होती रहेगी तथा 7 जुलाई को भारी से भारी बारिश की संभावना तथा इन राज्यों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तथा पूर्वी भारत के राज्य जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम के क्षेत्रों में पहले की भांति बारिश होती रहेगी। सभी राज्यों में 5 दिन बारिश से भारी बारिश के साथ बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं उत्तर पूर्वी भारत के। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड के क्षेत्रों में मानसून की पहली झमाझम 4 से 7 जुलाई को कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। आपके ही अपने किसान मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि किसान मित्र चैनल पर नोटिफिकेशन के लिए
सबसे पहले आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।